ख्वाहिशात और उम्मीदों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये खुदा की दी हुई दूसरी नेमतों को इंसान की नज़र में हकीर बना देती है। और यही वजह होती है कि इंसान खुदा की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। हमारी आज की कहानी के पीछे का मौजू भी इन्हीं खूनी रिश्तों पर, जिस पर इंसानी नस्ल रवा दवा है। कभी कभी इंसान कुदरत की मर्जी के आगे अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहता है, और जब ऐसा होता है तो क्या होता है, आइए देखते हैं। देखो भाई, शहर के हालात बहुत खराब चल रहे हैं, हर चीज मेंटेन और तमाम एहलकार अलर्ट होने चाहिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहे हैं सर, हर चीज अपडेट है। गुड। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। सर आसिफ बात कर रहा हूँ। आसिफ बोलो। सर अस्पताल में एक केस आया, खुदकुशी का लग रहा है। कौन है वो? सर ये तो मैं नहीं जानता, एक नौजवान है। तुम कहाँ हो? सर मैं अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में खड़ा हूँ। ओके, हम अभी पहुँच गए। चलो मुदस्सिर फौरन। अगर तुम्हें बरवक्त अस्पताल नहीं ले जाया जाता तो शायद आज तुम हमारे सामने ना बैठे होते। इंस्पेक्टर साहब, इंसान की जिंदगी में एक लम्हा ऐसा भी आता है जब वो अपने सूरत में समझने की सलाहियतों से महरूम हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। आप शक्ल से समझदार इंसान लगते हैं, ऐसी क्या वजह हो गई कि ये कदम उठाने की नौबत आ गई? चला गया था बाजार, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं मंगवाया। भूल गई हो क्या, आज क्या दिन है? अच्छा, तो जनाब को याद है क्या आज हमारी शादी की सालगिरह का दिन है? ये भी कोई भूलने वाली बात है? हाँ खुर्रम, जीवन की ये दौड़ सदा यूं ही कायम रहे, कहीं बस टूट ना जाए। वैसे सादिया, तुम्हारी मेमोरी तो बहुत अच्छी है। वो तो है, लेकिन आपकी मेमोरी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं। दिन तो याद है, लेकिन ये याद नहीं कि कितना अरसा हो गया हमारी शादी को। मेरा ख्याल है कि बस बस रहने दें, आपको तो याद भी नहीं कि हमारी शादी को 2 साल हो गए। आपको सोचने की फुर्सत हो तो सोचे ना। मेरी जान, ऐसी क्या बात है जो हम भूल गए? 2 साल हो गए और हम अब तक से समझा नहीं। बस करें, दूध पीते बच्चे नहीं है जो अभी तक समझ नहीं पा रहे। समझ गया मेरी जान, सब समझ गया। खुर्रम, आप नहीं चाहते कि हमारे घर के आंगन में भी बच्चों की आवाजें गूंजे? क्यों नहीं, वो कहते हैं ना कि बच्चे दो ही अच्छे। और अभी तक एक भी नहीं है। हम दो, हमारे दो। ओफो, आप तो हर वक्त मजाक करते रहा करें, कभी तो संजीदा हो जाया करें। लो बाबा, संजीदा हो जाते। जल्दी मुझे नहीं है, जल्दी आपकी अम्मी जान को है। अम्मी ने तुमसे कुछ कहा है? को ख्याल भी है मेरा या नहीं, या अपनी ही दुनिया में मगन रहोगे? क्या हुआ अम्मी जान? 2 साल का अरसा बहुत होता है, अब तुम बच्ची भी नहीं कि मेरी बात नहीं समझ पा रही हो। अम्मी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या?
सिर्फ मैं ही नहीं, ये घर के दरो दीवार भी तरस गए बच्चे की आवाज को। ओफो अम्मी जान, अब ये मेरे हाथ में तो नहीं। तुम दोनों चाहो तो सब कुछ हो सकता है। देखें अम्मी, हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं हो सकता, ये सब नसीब की बात होती है। तो बेटा नसीब बनाने से बनता है, बातें बनाने से नहीं। तो फिर आप ही बताएं मैं क्या करूं। अरे तो अब ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। जाओ जाकर चेकअप करवाओ। मैं चेकअप करवाऊं? तुम और कौन? क्या मेरा बेटा जाएगा चेकअप करवाने के लिए? चले आप कहती हैं तो मैं अपना चेकअप करवा लेती हूँ। सुनो, मुझे बेटा चाहिए। इनको बेटा चाहिए, यहाँ अभी औलाद होने के आसान नजर नहीं आते और इनको बेटा चाहिए। तुम उनकी बातों का ज्यादा ख्याल मत किया करो। क्यों ना करूं, और वैसे भी उन्होंने गलत तो नहीं कहा। तो यूं कहो ना कि ये ख्वाहिश तुम्हारे दिल के अंदर भी दबी हुई है। शादी के बाद औरत की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही तो होती है कि वो माँ बने। मैंने सुना है कि औरत जिंदगी में दो बार बड़ी हसीन लगती है। बड़ी रिसर्च है आपको? जरा मुझे भी तो बताएं कि औरत की जिंदगी में दो मवाके कब आते हैं। पहली बार जब दुल्हन बनती है और दूसरी बार जब वो माँ बनती है। ये क्या है? मैं सब कुछ भूल सकता हूँ मगर आज के दिन तुम्हें खूबसूरत तोहफा देना नहीं भूल सकता। और ये तोहफा तुम्हें आज के दिन के हमेशा याद दिलाएगा। आओ तुम्हें पहना दूँ। ये तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इससे भी खूबसूरत वो तोहफा होगा जो मैं आपको दूंगी। तुम भी मजाक करती हो। चलो आज हम अपनी सालगिरह को बाहर सेलिब्रेट करें। चलो ठीक है, 5 मिनट दे, मैं 5 मिनट में जीत गई है। ठीक है, सादिया की अजवाजी जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी, लेकिन जब सादिया की सास राबिया ने सादिया को मां बनने का एहसास दिलाया तो इसके दिल में एक तूफान बरपा हो गया। हेलो खुर्रम, क्या हाल है? बताओ कैसे याद किया? हाँ डॉक्टर शबाना, बस वो एक काम पड़ गया तो आपकी याद आ गई। चलो किसी बहाने हमारी याद तो आई। आप ठीक कह रही हैं। कहो कैसे याद किया, ये बताओ सादिया कैसी है? बस मैं डॉक्टर शबाना, मैंने सादिया के लिए ही आपको फोन किया। अरे सादिया ठीक तो है ना? डॉक्टर शबाना क्या ये पॉसिबल है कि आप मेरे घर आ जाएं? इसमें इजाजत की क्या बात है, तुम जब कहो मैं आ जाती हूँ। ये बताओ इस वक्त तुम कहाँ हो? बस मैं अभी अभी घर पहुँचा हूँ। चलो ठीक है मैं आती हूँ। ओके शुक्रिया डॉक्टर शबाना, थैंक्स। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर साहब कोई उम्मीद की किरण नजर आई? बज़ाहिर तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं सोच रही थी सादिया के चेकअप से पहले एक इसके हस्बैंड का टेस्ट करा लिया जाए। क्या मतलब डॉक्टर साहब, क्या मेरे बेटे में कोई खराबी है? ये तो टेस्ट रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। नहीं नहीं, आप बस सादिया का चेकअप करें। देखिए आप एक समझदार खातून है, समझदारी से काम लीजिए, जज्बात से नहीं। अम्मी जान डॉक्टर सही तो कह रही हैं, आखिर इसमें हर्ज क्या है? तुम तो यही चाहती हो कि तुम्हारी खामी पे पर्दा पड़ा रहे। देखें इस वक्त हम दोनों में से किसी एक को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हो सकता है दोनों में कोई खामी ना हो, या हो सकता है दोनों में से किसी एक को कोई खामी हो। ये खुर्रम का मैं कोई एक टेस्ट लिख कर दे लूँ, खुर्रम ये टेस्ट करा लीजिएगा, ठीक है? फिर मुझे बताइए। ओके सादिया मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू।
जी ठीक कह रही है, मुझे टेस्ट कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे ये अपनी खामी को छुपाने के लिए ऐसा कह रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझ में कोई नुक्स है तो पहले मैं टेस्ट करवा लेती हूँ। अरे नहीं नहीं सादिया, हमें डॉक्टर के मशवरे पर अमल करना चाहिए। अगर मेरे बेटे में कोई नुक्स होता ना तो इतना तवील अरसा नहीं गुजारता। अम्मी, औलाद, रिस्क, जिंदगी, मौत, ये सब अल्लाह ताला के हाथ में। बस बहुत हो गया, तंग आ गई हूँ आपके रोज रोज के ताने सुनकर मैं। देख लिया अपनी बीवी का दूसरा रूप भी। सादिया, ये क्या बदतमीजी है? आपको ये बदतमीजी नजर आती है? आप तो डेली ऑफिस चले जाते हैं, इनके रोजाना के ताने मुझे सुनने पड़ते हैं। हाँ हाँ, मैं तो जैसे जुल्म के पहाड़ तोड़ती हूँ तुम्हारे ऊपर। सादिया, तुम्हें अम्मी जान से इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए। और इनका जो दिल चाहे ये वो कर सकती हैं। यही हाल होता है पसंद की शादी का, तुम्हारे तो ये तलवे चाटती होगी। अरे मुझे तो ये घास भी नहीं डालती। सादिया प्लीज, जैसी दिखती है नहीं वैसी है नहीं। सादिया, सादिया खुर्रम साहब, लगता है इन्हें कोई जहनी सदमा पहुंचा है। डॉक्टर साहब, कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? दिमागी हालत से तो लगता है कि किसी सदमे से दो चार हुई हैं। अब छोटी मोटी बातें तो घरों में हो ही जाती हैं। ये छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देना बहुत बड़ी हिमाकत है मिस्टर खुर्रम। आइंदा ख्याल रखूंगा। बहुत ख्याल रखना होगा, सादिया को कुछ दिनों के लिए आराम की जरूरत है। आप बेफिक्र हैं डॉक्टर साहब। सादिया का हर तरीके से ख्याल रखूंगा। ओके। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी एक कॉल पर हैं। कोई बात नहीं खुर्रम, जब आपको मेरी जरूरत हो आप मुझे फोन कर लीजिएगा। ठीक है, खुदा हाफिज। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। इधर सादिया का ट्रीटमेंट घर पे जारी था। सादिया को इस बात का ऐसा जहनी सदमा लगा था कि वो मायूस हो चुकी थी। बजायर ऐसा लगता था कि सादिया को अब जिंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। इधर खुर्रम सादिया को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। और एक दिन फिर डॉक्टर की हिदायत पे अमल करते हुए वो टेस्ट भी करवा लिया। वजह परेशान हो रही थी, मेरी टेस्ट रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर आई है। मुझे तो पहले ही पता था कि गड़बड़ तुम में नहीं उसमें है। हो सकता है कि सादिया में भी कोई खराबी ना हो। अगर ऐसा होता तो इतना टाइम नहीं लगता। अम्मी, वो कब और कैसे दे ये वही बेहतर जानता है। तुम भी लिख लो और चेकअप भी करवा लो, अगर उसमें खराबी ना निकले तो मेरा नाम बदल दे। अल्लाह ने आपको बेटी नहीं दी ना, शायद इस वजह से आपकी सोच ऐसी है। होता वही है जो मैं सोचती हूँ। आपकी सोच के मुताबिक सादिया माँ बन सकती है? नहीं, मुझे यकीन है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। आप ये बात इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकती है? बेटा, अभी तुम बच्चे हो, मैंने तो दुनिया देखी है, तुम पर तो अभी मोहब्बत का भूत सवार है। हो सकता है जो आप सोच रही हो ऐसा ना हो, तो फिर ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो जाओ उसका चेकअप करवाओ, जाओ जल्दी। आपने तो डॉक्टर्स को भी पीछे छोड़ दिया, रिपोर्ट आई नहीं और रिजल्ट दे दिया आपने। अपनी माँ के सामने इस तरह उस वक्त मुस्कुराना जब रिजल्ट आ जाए। ठीक है, मैं सादिया का चेकअप करवाता हूँ। जाओ। जब इंसान का जहन यकीन और वहम के बीच में होता है तो उसे इसी किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है जैसा सादिया और खुर्रम को करना पड़ रहा था। इधर खुर्रम सादिया की टूटती हुई उम्मीदों को सहारा देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब टेस्ट का रिजल्ट आया। अरे आ गए आप,
अच्छा डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट। वालेकुम अस्सलाम खुर्रम, आप आ गए। चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या है। जी डॉक्टर, क्या लिखा है रिपोर्ट्स में? मिस्टर खुर्रम, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सादिया कभी मां नहीं बन सकती। डॉक्टर शबाना, अब सर गौर से पढ़िए। जी खुर्रम साहब, डाउट तो मुझे एग्जामिनेशन करते हुए ही हो गया था, लेकिन ये टेस्ट भी करवाना बहुत जरूरी थे। चले आप कहती हैं तो मैं अपना चेकअप करवा लेती हूँ। सुनो, मुझे बेटा चाहिए। बेटा? कोई तो उम्मीद की किरण होगी ना? मेडिकली तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती। उस लड़को साधिया जहां इंसान के साथ बेबस हो जाती है, वहां उसकी कुदरत। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ। एक तरीका और भी है, अगर आप लोग किसी बेसहारा और यतीम बच्चे को गोद लेकर अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं। मुझे कुछ नहीं मालूम, अब तुम्हें दूसरी शादी करना होगी, ये लड़की तुम्हारे काबिल नहीं रही। ये कैसी बातें कर रही हैं अम्मी जान आप? मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। अरे जो लड़की तुम्हें औलाद से महरूम रखे, तुम सारी जिंदगी उसके साथ अकेले गुजार दोगे? अगर किस्मत में यही लिखा है तो शायद। मुझे तकदीर और किस्मत की भूल भुलैयों में मत उलझाओ। मैं ये नहीं कह रही कि तुम सादिया को छोड़ दो, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। सवाल ही नहीं पैदा होता अम्मी जान। तो फिर तुमने क्या सोचा है? मैं सादिया को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। तो तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी नस्ल आगे बढ़े? मैं बच्चा अडॉप्ट कर लूंगा, और आपकी वजह से उसकी ये हालत हुई है। तो तुम अपनी बीवी को अपनी माँ पर तरजीह दे रहे हो? मैं माँ के हकूक से भी खूब वाकिफ हूँ, और मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि मेरी बीवी की हक तलफी हो। दूसरी शादी करना होगी, ये लड़की तुम्हारे काबिल नहीं रही। अरे जो लड़की तुम्हें औलाद से महरूम रखे, तुम सारी जिंदगी उसके साथ अकेले गुजार दोगे? मुझे तकदीर और किस्मत की भूल भुलैयों में मत उलझाओ। मैं ये नहीं कह रही कि तुम सादिया को छोड़ दो, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। तो तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी नस्ल आगे बढ़े? तो तुम अपनी बीवी को अपनी माँ पर तरजीह दे रहे हो? मैं तो बस ये चाह रही हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो।
तीसरी शादी कर ली। नहीं सादिया, मैं ऐसा तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं अम्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से इत्तेफाक करती हूँ, और वैसे भी मेरी गोद तो हरी हो नहीं सकती। मुझे यकीन है वो कभी माँ नहीं बन सकती। मिस्टर खुर्रम, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सादिया कभी मां नहीं बन सकती। अभी भी इसकी जात से ना उम्मीद नहीं हुआ हूं। मैं आपके जज्बात की कदर करती हूँ, लेकिन ये भी तो सच है कि मैं मां नहीं बन सकती। मैं अपनी जिंदगी के शरीके सफर में किसी तीसरे को फरीक नहीं बना सकता। छोड़ तो मैं भी आपको नहीं सकती, और ना ही आपको किसी और के साथ बर्दाश्त कर सकती हूँ। लेकिन क्या करूँ, हालात के साथ मैंने समझौता कर लिया है ना। कोई किसी को नहीं छोड़ रहा। मैं जब भी अपनी अम्मी से बात करता हूँ तो वो अपना रोना रोती हैं। पर मैंने तो आपसे कोई गिला नहीं किया ना। फिर मुझे क्यों मजबूर किया जा रहा है दूसरी शादी के लिए? क्या यही मेरे प्यार की कदर कीमत है कि उसे तकसीम कर दिया जाए? ये तकसीम नहीं है, ये समाज और खानदान के खूनी रिश्तों के तसलसल का तकाजा है। मेरी नजर में इन रिश्तों की अहमियत मेरे प्यार से बढ़कर नहीं है। इसे समझाऊं मैं आपको? मुझे कुछ नहीं समझना। आज के बाद इस टॉपिक पर हम बात नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा छोड़ो, खफा मत हो, सो जाओ। मुझे पता है आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। एंड आई एम सॉरी। अच्छा चले आप सो जाओ, सही है? मैं भी सो रही हूँ। मैं अपनी रूह की हर खुशी मिटा लूंगा, मगर तुम्हारी मुसर्रत मिटा नहीं सकता। ये गम बहुत है मेरी जिंदगी मिटाने को, उदास रहकर मेरे दिल को और रंज न दो। अपनी बीवी सादिया से बहुत प्यार करता था, वो उसे किसी कीमत पे खोना नहीं चाहता। लेकिन एक तरफ माँ थी तो दूसरी तरफ बीवी, एक तरफ माँ की ममता और दूसरी तरफ बीवी का प्यार उसे अपनी जानेब खींचता था। हालात और कश्मकश उसे कहाँ ले आए, आइए देखते हैं।
लगा के अपने खुद को इंस्पेक्टर साहब, ये था मेरा माजी जो मैंने आपको बिल्कुल सच सच बता दिया है। ये जानते हुए भी कि ये खुदकशी हराम है, फिर भी तुमने ये कदम उठाया? इंस्पेक्टर साहब, मुझ पर दबाव इतना बढ़ चुका था कि एक तरफ मेरी बीवी और दूसरी तरफ मेरी माँ। ये जिंदगी अल्लाह की एक नेमत है, इस पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का ही इख्तियार है। इंस्पेक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब अकल का दामन हाथ से छूट जाए तो कुछ सुझा ही नहीं देता। शुक्र करें आपकी जान बच गई, अल्लाह ताला ने आपको नई जिंदगी से नवाजा है। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। चूंकि आपने एक जुर्म किया है और आप कबूल भी कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आपके साथ हमदर्दी बरती जाए। मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूं। सर, मैं चालान बनाऊं? सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इनका चालान बनाओ, लेकिन इनकी हिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए मैं चाहूंगा कि इनके साथ नरमी बरती जाए। ओके सर।